नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रेत के विषय में बताने जा रहा हूँ कि प्रेत होते क्या हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो के विषय में आपको जानकारी मिलती रहे, तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, प्रेतों का जिक्र हिंदू धर्म में नहीं है, बल्कि चीनी, जापानी, बौद्ध और वियतनामी जो संस्कृति है, यहाँ पर प्रेतों का जिक्र देखने को मिलता है। इनकी किताबों में प्रेतों का जिक्र है। प्रेत यानी भूखी आत्माएं, जो पिछले जन्म में गलत कार्य करते हैं और गलत कार्यों में लिप्त होते हैं या लिप्त हो रहे हैं, उनका लालच या भूख खत्म नहीं होती और वह मृत्यु के बाद प्रेत बन जाते हैं, अर्थात प्रेत योनि में जाते हैं। जिन आत्माओं की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या उनमें किसी चीज़ की भूख बाकी रह जाती है, तो वह मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाते हैं और वह प्रेत बनकर इंसानों को सताते हैं। और कहते हैं कि जो प्रेत आत्माएं होती हैं, चीनी और जापानी संस्कृति में यह इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली मानी जाती हैं, तथा यह इंसानों पर हावी होकर उनको अपने वश में कर लेती हैं और उनसे मनवांछित कार्य कराती हैं, तथा इनका निवारण उन्हीं किताबों में वर्णित है। जिस तरह यहाँ पर आत्माएं और भूत का वर्णन है, उसी तरह वहाँ पर प्रेतों के विषय में विशिष्ट जानकारी दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी वाले वीडियो, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।